खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। उस पर्वत को उखाड़ना है और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना है। अगर मोदी को सीना चीर के देखो अदानी मिलेगा, अदानी की सीना चीर के देखो मोदी मिलेगा। राहुल गांधी सड़क पर आकर जब बोलेगा तो आप थर थर कांपेंगे। प्रधानमंत्री जी माफी तो आपको मांगनी चाहिए। राहुल गांधी कल भी शेर था, आज भी शेर है, कल भी शेर रहेगा। उसने कुछ घोटाला किया है तो इस देश की खातिर अडानी को भी जांच से गुजरना पड़ेगा। अपमान कौन कर रहा है? अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के सिपाही हैं। और एक नरेंद्र मोदी नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर पूरे देश का पैसा जो है वो लूट लिया। ओबीसी का अगर भला किया है तो केवल कांग्रेस पार्टी ने किया है। देश के लिए, देशवासियों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर वो सदन में नहीं है तो आपकी आवाज सदन में सुनाई नहीं देगी। ये इस देश की जनता को समझना है और हम सबको समझाना है। अगर राहुल गांधी जी सदन में नहीं है तो नरेंद्र मोदी से आंख में आंख डालकर चीन पर सवाल पूछने वाला सदन में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी सदन में नहीं है तो अडानी पर सवाल पूछने वाला नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर सदन में नहीं है। अगर राहुल जी सदन में नहीं है तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर मोदी की आंख में आंख डाल के सवाल पूछने वाला सदन में नहीं है। ये इस देश को समझना पड़ेगा और कांग्रेस की ये जिम्मेदारी है कि हम हर उस व्यक्ति को समझाए कि ये लड़ाई राहुल गांधी की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है। हम गांधी जी की समाधि पर बैठे हैं। मैं राहुल गांधी जी को अपना नेता मानती हूं, अपनी प्रेरणा मानती हूं और मैं कहती हूं कि वो एक शख्स है जिसके अंदर गांधी की आत्मा है और शेर का कलेजा है और उस शेर से ये सरकार डर गई, ये हुकूमत डर गई, नरेंद्र मोदी डर गए और प्रियंका जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अगर वो कायर नहीं होता तो राहुल गांधी जी आज सांसद होते, मुझे ये कहने में बिल्कुल आपत्ति नहीं है। मैं दो लाइन दिनकर की बोलूंगी क्योंकि वो बोलनी जरूरी है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत्नित रहते हैं, शूलों का मुख न साने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीरवर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। उस पर्वत को उखाड़ना है और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना है, उनकी लड़ाई को आगे ले जाना है। आप लोकतंत्र को मारेंगे भी और उसकी चीख बाहर निकले भी नहीं, ये संभव नहीं है। आप लोकतंत्र को मारेंगे तो राहुल गांधी बोलेगा, संसद के भीतर से बोले या संसद के बाहर से बोले, राहुल गांधी को आप चुप नहीं कर सकते। संसद के भीतर अगर राहुल गांधी अडानी का नाम लेता है तो आप डरते हैं। आप सोचिए राहुल गांधी सड़क पर आकर जब बोलेगा तो आप थर थर कांपेंगे, इसमें कोई नहीं रोक सकता। ये उस खानदान का चिराग है जिस खानदान ने इस देश को रास्ता दिखाया, इस देश को रोशन किया, इस देश में अंधेरा हटाया। उस खानदान के चिराग को आप बुझाएंगे? आपकी इतनी औकात है? आप कायर हैं, आप डरपोक हैं और हम आपसे नहीं डरते, हमारे राहुल गांधी आपसे नहीं डरते। सदन शुरू होते ही एक मिनट भी सदन नहीं शुरू हुआ रहता था और खड़े होकर के राहुल गांधी माफी मांगो के नारे शुरू कर देते थे। किस बात की माफी? क्योंकि वो भारत जोड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। अरे भाजपाइयों माफी तो आपको मांगनी चाहिए। 15 लाख के झूठे जुमले के लिए माफी मांगो, बढ़ती हुई महंगाई के लिए माफी मांगो, अच्छे दिन के झूठे वादों के लिए माफी मांगो, लोकतंत्र को कुचलने के लिए माफी मांगो, महंगाई के खिलाफ माफी मांगो, 400 का सिलेंडर 1100 रुपए करने के लिए माफी मांगो, 58 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का करने के लिए माफी मांगो, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के लिए माफी मांगो, सिख को ईसाई से लड़ाने के लिए माफी मांगो। माफी तो तुम मांगो। और अगर तुम ये कहते हो कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के भारत का अपमान किया तो प्रधानमंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब दोहा में, शंघाई में, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में खड़े होकर के आप कह रहे थे कि भारत तो सपेरों का देश है,
भारत में पैदा होना तो पाप है। प्रधानमंत्री जी, माफी तो आपको मांगनी चाहिए। पर आप गलती कर गए, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि आपने राहुल गांधी की सदस्यता लेके करोड़ों राहुल गांधी पैदा कर दिए, जो सैकड़ों पे लड़ेंगे, जो सड़कों पे लड़ेंगे और आपसे तब तक लड़ेंगे। खतरा उनको होता है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जो शेर की खाल ओढ़कर शेर बनने का ड्रामा करते हैं। खतरा उनको नहीं होता जिन्हें आप संसद की सदस्यता खत्म कर दो। राहुल गांधी कल भी शेर था, आज भी शेर है, कल भी शेर रहेगा, उसे कोई पीछे नहीं कर सकता है। ये वो 56 सिंह का सीना है, क्योंकि जो सही में मजबूत होते हैं, जिनका सही में सीना 56 का हो, 55 का हो या 40 का हो, दिल से बंदा शेर होता है, दिल से 56 का सीना होता है। आपकी चार चौड़ी छाती देकर कोई 56 का सीना नहीं होता है। मोदी साहब, प्रधानमंत्री साहब, आपको इस सत्याग्रह से हम ललकारते हैं। हम मानेंगे आपका 56 का सीना है, हम मानेंगे आप ईमानदार है, हम मानेंगे ना खाया है ना खाने दूंगा। आप दिल खोल के 56 के सीने के साथ कहिए, अडानी मेरा मित्र था, अडानी मेरा मित्र है, अडानी मेरा मित्र रहेगा, लेकिन अगर उसने कुछ घोटाला किया है तो इस देश की खातिर अडानी को भी जांच से गुजरना पड़ेगा। हम सिर्फ इतना चाहते हैं आपसे। ओबीसी की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान, जिनके 19,000 शिक्षक भर्ती होने चाहिए, 6800 नौजवानों की नियुक्ति पत्र योगी आदित्यनाथ ने कहा देंगे चुनाव के पहले, 6800, 19,000 अभ्यर्थियों की नौकरी होनी चाहिए, और पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना, मुख्यमंत्री ने समिति का गठन करके माना, सरकार को नियुक्ति पत्र देने की बारी आई, चुनाव आ गया, वोट ले लिए, उसके बाद आप कहां के हम कहां के। 4 साल से पिछड़ा नौजवान आज धरने पर बैठा है। सदन में जब हम लोगों ने आवाज उठाई, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जब सड़कों पर बात की, मीडिया के सामने बात की, आपको वो 19,000 छात्र पिछड़ा नहीं दिखाई दे रहा है? अपमान कौन कर रहा है? अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। जंग की मैदान में उतर पड़े हैं, हमारे हाथ में कोई शस्त्र नहीं, हमारे हाथ में कोई तलवार नहीं, हमारे हाथ में कोई खंजर नहीं, हमारे हाथ में कोई बंदूक नहीं, लेकिन भारत सरकार के पास, जिसने लोकतंत्र पर हमला किया, उसके पास पूरा शस्त्र है, गोला बारूद है, सारी की सारी ताकत है, और उसका मुकाबला हमें आने वाले दिनों में करना होगा। ये कमजोर दिल से हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते। मजबूत दिल वाले और शेर दिल वाले ही ये लड़ाई जीत सकते हैं। राहुल गांधी जी के साथ वही चलेगा जो सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार होगा। हमारी लड़ाई में हमारे पास जो पद है, वो पद से भी अगर हमें अपने आप को महरूम करना है, तो वो तैयारी रखकर आने वाले दिनों में हमें अपना संघर्ष आगे चलाना होगा। जो गांधी को मानते हैं, जो राहुल गांधी को मानते हैं, वो कमजोर नहीं हो सकते। हर तरफ हम पीछे के पीछे गिरे जा रहे हैं, हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहे, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा अपने हाथ में है, वो झूठ के बुनियाद पे, कि कुछ भी आए मन में कह दीजिए, और वहां गोयबल्स की याद आती है, हिटलर के उस प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी की, कि आप कुछ भी कहते रहिए, उसको लगातार कहते रहिए, मानते रहिए कि झूठ है, लेकिन लगातार झूठ को बोलते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा
आपको भी लगेगा कि झूठ सच है। इस बात के शिकार, इस भावना के, सोच के शिकार आज के हमारे शासक हैं, और इस तरह लोगों को लिए और कुछ नहीं, सिर्फ झूठ की एक बड़ी खुराक हर वक्त दिए जा रही है। हम कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के सिपाही हैं और हमको ये संघर्ष सड़कों पर लड़ना है, संसद में लड़ना है। संसद में तो लड़ने दिया नहीं जाता, सबकी आवाज चुप करा दी जाती है, माइक बंद कर दिए जाते हैं। दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसी संसद है जहां पर विपक्ष की आवाज नहीं, जहां पर मीडिया को आजादी से बोलने का अधिकार नहीं, जहां पर आम नागरिक को आजादी से जीने का अधिकार नहीं? साथियों, एक लोकतंत्र की लड़ाई राहुल गांधी जी ने ऐलान कर दिया है, वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। आवर फर्स्ट एमपी इज राहुल जी, ही ऑलवेज एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स, एक्सप्रेस अवर वॉइस, ही स्पीक्स फॉर अवर राइट्स। माय स्टेट अडोर्ड हिम, ऑफ कोर्स माय स्टेट अडोर एंटायर गांधी फैमिली। ही इज अ एमपी फ्रॉम वायनाड, केरला, स्टिल इन पीपल हार्ट्स इवन एट दिस मोमेंट। ही इज एन एमपी फॉर देम, ही इज अ लीडर फॉर देम। ही स्पीक्स फॉर केरला, ही स्पीक्स फॉर कर्नाटका, he speaks for Jammu and Kashmir, he speaks for Rajasthan, he speaks for Madhya Pradesh, he speaks for the farmers, he speaks for the women, he speaks for the unemployed youth, he speaks for the poor, he speaks for the minorities in this country. This government, this cover Narendra Modi government wanted to silence that voice, but they never ever do that. The prime, anybody who have indecent below the belt remark, who used to do as prime minister of this country, Narendra Modi, he calling names, none other than the former prime minister, the respected man Manmohan Singh ji, our madam, the longest serving Congress president, even her political opponents will not look at her differently. She called her names, he called Rahul Gandhi names, our honorable Congress president, her very respected man in the country, he called him names, but he is getting away with all this. But this will not happen in this country. We are in Rajghat. I want to remind the history. Exactly 100 years back, 1922, Mahatma Gandhiji was implicated in a fake case, sedition charges framed against him. He was convicted by the court exactly 2 years term. But Mahatma Gandhi stood his ground, stood his values, fought the mighty British and chased them out of this country, led the freedom movement. Exactly 100 years later, my leader, our leader, Rahul Gandhi has fabricated under the fake charge and convicted by a court. Exactly 2 years. Now Rahul ji will lead the second freedom movement. Congress party will lead the second freedom movement. We will chase this corrupt Narendra Modi government out in 2024. History will repeat. Today disqualified MP will be a PM in 2024. That should be our Congress party's mission and promise. Thank you. Main jab jab kehta hoon और बड़े फक्र और सिनातान के कहता हूं कि देश की आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने 3 गांधी कुर्बान किए हैं। एक महात्मा गांधी जो कुर्बान हुए देश की आजादी के जंग के बाद वहां पर देश को एक रखने के लिए, एक हमारी इंदिरा जी कुर्बान हुई वही देश की एकता अखंडता के लिए, राजीव जी कुर्बान हुए इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए, तो सामने संघी भी बोलते हैं और उसके लिए मुझ पर केस हो तो वो केस झेलने के लिए मैं तैयार हूं। हम कहते हैं हम 3 गांधी कुर्बान किए तो संघी बोलते हैं हम भी तो 3 मोदी दिए हैं। एक नीरव मोदी जो बैंकों का पैसा लेकर भाग गया, एक ललित मोदी सोटोरिया जो है वो क्रिकेट के अंदर का पैसा लेकर भाग गया, और एक नरेंद्र मोदी नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर पूरे देश का पैसा जो है वो लूट लिया। तो हम कहते हैं हमने 3 गांधी कुर्बान किए हैं और तुमने 3 लुटेरे दिए हैं। ओबीसी का अगर भला किया है तो केवल कांग्रेस पार्टी ने किया है। वीपी सिंह ने केवल घोषणा की थी लेकिन मंडल कमीशन अगर लागू किया 1992-93 में, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब मंडल कमीशन लागू हुआ था। उसके बाद 2006 के अंदर जब अर्जुन सिंह जी थे तब हायर एजुकेशन में जो आरक्षण का प्रावधान जो किया गया था वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। इसलिए
इनके नाम पे कुछ नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए इनके अंदर डर घुस गया। जो एक केस कोलार का था उसको सूरत में लाकर और एक साजिश के तहत हमारे नेता, जो मैं समझता हूं आज जन नेता हैं, उनके खिलाफ जो ये षड्यंत्र रचा गया है, मैं समझता हूं आज तमाम जनता जानती है। जहां तक ओबीसी का बात है, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने अभी जो हमारा प्लेनरी सेशन हुआ उसमें अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को एम्पावरमेंट दी है, हमारे खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, तो ओबीसी को दी है। उसमें सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया कि एक नेशनल काउंसिल फॉर जस्टिस बनाई जाएगी, जो कि समय समय पर हमारे अध्यक्ष जो हैं उनको अपनी राय देती रहेगी। मैं समझता हूं कि ये अभूतपूर्व फैसला है जो ओबीसी का पूरा समाज इसका स्वागत करता है। दूसरा, जो सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मैं कहता हूं कि वो कर्म से ओबीसी नहीं है। अगर वो कर्म से ओबीसी होते तो जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि अगर 2024 में हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे, जिससे कि हमारी आर्थिक, हमारी सामाजिक, हमारी शैक्षणिक और हमारी पॉपुलेशन का पता लगेगा। आप जानते हैं, अगर मोदी को सीना चीर के देखो अदानी मिलेगा, अदानी की सीना चीर के देखो मोदी मिलेगा। इसलिए हम लोग सदन के अंदर एक नया नारा तय कर लिए हैं, मोदानी मोदानी, अरे मोदानी मोदानी, दोनों शरीर एक हो गए हैं, अब मोदानी बन गए हैं। तो ये मोदानी को तालाब की पानी पिलाने के लिए आइए अगले दिन सब एकजुट होकर, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेत्री प्रियंका जी, इनको अगुवाई में हिंदुस्तान में हम एक 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 जंग छेड़ेंगे। ये जंग हिंदुस्तान की आज की तानाशाही की खिलाफत करते हुए ये तानाशाही की सरकार को खदेड़ने में सफल होगा, कामयाब होगा। है, लोग जानते हैं कि किस तरीके से आज ये डिक्टेटरशिप देश में चल रही है और किस तरीके से वो हमारे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात का हमें दुख है। कौन नहीं जानते कि राहुल जी स्वयं के लिए नहीं, देश के लिए, देशवासियों के लिए ले ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आवाज उठा रहे हैं। वो भी चाहते तो घर में आराम करते, पर उन्होंने एक जो ये पद यात्रा की उससे क्या संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा हम ये घृणा और नफरत को हटाकर प्रेम की से राजनीति करना चाहते हैं। ठीक कहा यहाँ प्रियंका जी ने कि वो जाकर पार्लियामेंट में भी उन्होंने मोदी जी को गले लगाया, उन्होंने कहा हम इन बातों पे विश्वास नहीं करते, हम पूरे देशवासियों को साथ लेके चलना चाहते हैं। और जब वो इस यात्रा में चले तो कितने हजारों नहीं लाखों लोग उनसे जुड़े, और कहां से उन्होंने यह यात्रा शुरू की, कितनी कठिन परिस्थितियों में यह यात्रा करते हुए वो जम्मू कश्मीर तक पहुंचकर बर्फबारी में भी उन्होंने लोगों को संबोधित किया, और लोग बहुत खुश हुए कि राहुल जी आप चिंता ना करो, हम आपके साथ।